हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस शेयर के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो वास्तव में मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है। और मेरे इस पोर्टफोलियो स्टॉक के बारे में मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो एक ऐसा डिस्कशन है आपके साथ जो कि कुछ फैक्ट्स के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। देखिएगा, मेरा मानना ऐसा है, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके की गिरावट है उस गिरावट के अंदर वैल्यूएशन का बहुत बड़ा रोल था। जहां पर भी वैल्यूएशन रिच थे वो सब शेयर्स करेक्ट होके आ गए, और जहां पर वैल्यूएशन ठीक होते जा रहे हैं वहां पर हमें मार्केट के अंदर सपोर्ट नजर आना शुरू हो गया है। तो आज मैं आपकी बात करूंगा, मैं अपने पहले स्टॉक के बारे में, केवल एक स्टॉक की बात करूंगा, वो जो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है मेगमनी और इनिक्स। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। ये जो मेगमनी और इनिक्स का शेयर है, आज इस शेयर के अंदर एक गिरावट थी, लेकिन लास्ट टाइम के अंदर जब मार्केट बंद होने वाली थी एकदम एकाएक जो है इसके अंदर तेजी आई और ये करीबन 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहां से सीधा 40 रुपए 20 पैसे के आसपास जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। हालांकि जो एडजस्टमेंट हुई तो वो 39.25 पे हुई, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट के अंदर वो सौदे जो है जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा वो सब कवर होने के लिए आ गए। तो एक बात देखने के लिए बहुत अच्छी मिली इस शेयर के अंदर आज कि यहां पर जो है नीचे के प्राइजेस के ऊपर एक बहुत अच्छा एक्युमुलेशन हो रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर के अंदर ये जो गिरावट है ये शायद थोड़े दिन के लिए थमती हुई नजर आएगी। उसकी गिरावट के मुख्य कारण जो है मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूं कि वो गिरावट जो है क्यों रुकती हुई मुझे नजर आ रही है। देखिएगा, सबसे पहली जो मैं बात करूंगा वो एनएससी की साइट पे, देखिएगा जो हमारी इंफॉर्मेशन है उस एनएससी की साइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो एनएससी की साइट पे सबसे खास बात क्या है कि जो डेटा आपके पास है वो ये बता रहे हैं कि यहां पर ये देखिएगा 63.21% जो है वो डिलीवरी आज शेयर के अंदर हुई है, और जनरली इसमें जो डिलीवरी होती है वो 40% 45% के आसपास होती है। तो आज जो भी शेयर बेचे गए उनको डिलीवरी के रूप में ज्यादातर लोग लेके गए हैं, और इसका मुख्य कारण मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर रहा था कि वैल्यूएशंस, अगर आप इस शेयर्स की बात करेंगे तो वैल्यूएशंस आपको नजर आएंगे, वैल्यूएशंस ऐसे हो गए हैं, मैं सारी वैल्यूएशंस के ऊपर बात करूंगा कि वैल्यूएशंस ऐसे हो गए हैं जो कि डीप डिस्काउंट पर आपको पी रेशो 3.72 जो है 3.72 यानी कि 4 से भी नीचे की पी रेशो इस शेयर के अंदर हो गई है, जबकि इंडस्ट्री की पी देखेंगे तो 36.06 टाइम्स है। तो सिंपल सी बात है, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 0.86 हो गई है। मैं ये भी बात नहीं करूंगा आपके साथ कि ये ज्यादा है या कम है, ये बहुत ही डीप डिस्काउंट के ऊपर आ गई है। दूसरी बात, अगर इसकी डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 2.56 यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो डिविडेंड भी डिलीवर कर रही है। और आप लोग जानते भी है, जैसे कि मंडे को ये एक्स डिविडेंड हुआ था, लेकिन डिविडेंड आया नहीं है अकाउंट के अंदर, 2-4 दिन के अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि डिविडेंड भी आता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, अगर आप इसके कैश फ्लोज को भी देखेंगे, आप इसकी वैल्यूएशंस को देखिएगा, ये पूरी कंपनी अब 994 यानी कि 1000 करोड़ से भी नीचे की वैल्यूएशंस पर ये कंपनी अब आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी की अगर आप सेल की बात करेंगे, अगर मैं इस कंपनी की सेल की बात करूं तो सेल आपके सामने है, देखिएगा सेल आपके सामने है, कैसे सेल है देखिएगा, सेल है पिछले क्वार्टर की 522, उससे पिछले की 532, उससे पिछले क्वार्टर की 616, उससे पिछले क्वार्टर की 557, यानी कि आप सारी सेल को देखेंगे तो 2100 करोड़ की जो सेल है, और ये कोई ऐसे बिजनेस में नहीं है कि प्रोडक्ट खरीद के बेच रहे हैं, बना रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, यानी कि एक वैल्यू एडिशन का कंपोनेंट है। अगर आप इसी के अंदर अगर हम इसी के अंदर और बात करें कि यहां पर जो सेल की फिगर के साथ साथ अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट्स की फिगर की, तो ये प्रॉफिट्स की फिगर भी आपके सामने है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देखिएगा आप, कंपनी कितना प्रॉफिट दिखा रही है, कंपनी का प्रॉफिट है 56 करोड़ पिछले क्वार्टर में, उससे पहले 77 करोड़ राइट। अब यहां पर देखिएगा इसी तरीके से 77 करोड़, यानी कि इंडस्ट्रियल स्लोडाउन के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। यही रीजन है, और ये नहीं है, अगर आप इन सबका टोटल करेंगे तो ये 290 करोड़ के से भी ऊपर जो वैल्यूएशन बनती है राइट।
सॉरी 270 और 270 से ऊपर बनती है ये, तो 270 करोड़ से ऊपर की। तो सीधी सी बात ये है कि आप एक ऐसी कंपनी जो इतना कैश जनरेट कर रही है कि वो खुद जितने रुपए में वो कंपनी मिल रही है उसका आधा उसके पास कैश फ्लो। अगर आप इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखेंगे तो सारी बात आपको समझ में आती नजर आएगी। देखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं इसकी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको बात समझ में आएगी कि केवल और केवल 900 करोड़ में ये कंपनी मिल रही है। और यही रीजन है कि आज हमें लगा कि इस कंपनी के अंदर नीचे जो है स्पोर्ट बनती हुई नजर आई, और रीजन था वैल्यूएशंस। तो देखिएगा यहां पे प्रॉफिट्स के फिगर और नेट कैश फ्लो 114 करोड़ के, और ये जो फिगर्स हैं ये स्टैंड अलोन, अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे इन्फॉर्मेशन तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी बात। कंसोलिडेटेड फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 374 करोड़ के कैश फ्लोस थे कंपनी 900 करोड़ में, केवल 3 times। इसी तरीके से आप देखिएगा यहां पर मार्च 18 के अंदर देखिएगा 404 करोड़, 258 करोड़। तो कंपनी की पूरी स्टोरी जो है आपके सामने है जिन वैल्यूएशंस पर मिल रही है। और इसके अलावा इसकी एक डीमर्जर की भी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हालांकि मार्केट की कंडीशंस इस तरीके की हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम से कंपनी ना तो 50% आज के सिनेरियो के अंदर डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि इसका भाव कम से कम नहीं तो 60 से 70 रुपीज इस करेक्शन के बाद भी होना चाहिए था। तो मुझे यहाँ पे ऐसी हालत लग रही है कि ये शेयर शायद बॉटम आउट हो गया है, और ये इसके जो है स्पोर्ट्स भी रहे हैं। और मैं खुशकिस्मत भी हूं कि जो पूरी मार्केट की गिरावट हुई उसके अंदर जो और शेयर्स की गिरावट है उसको देखते हुए भगवान की कृपा से इसके अंदर जो गिरावट है वो थोड़ी कम हुई है। तो सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि और नहीं गिर सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो आज बाइंग हुई है इसके अंदर प्रमोटर्स का भी शायद रोल हो सकता है। और जब ये डिविडेंड आएगा, क्योंकि जो डिविडेंड की इनकम आनी है इसकी, तो देखिएगा मैं तो आपको खुद बोल रहा हूँ कि मुझे शायद इससे जो डिविडेंड आएगा मैं इसका डिविडेंड इसी के नाम कर दूंगा, यानी कि जो भी मुझे डिविडेंड के रूप में मिलेंगे उससे जो भी मेरे पास शेयर्स आएंगे वो शायद मैं इसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हुआ नजर आऊं। तो इसका डिविडेंड जो है मैं इसी कंपनी के लिए यूज करने का प्लान कर रहा हूं। तो यहां पर सारे पैरामीटर्स के अंदर जो मैंने बात की, तो यहां पर आप किसी भी पैरामीटर पे बात करेंगे तो आपको ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छी लगेगी। हालांकि अगर आप इसके बैलेंस शीट की भी बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि पता नहीं सर इस कंपनी ने लोन कितना ले रखा है, अगर आप इसकी बैलेंस शीट की भी बात करें तो बैलेंस शीट भी आपको बता रही है कि ये बहुत ज्यादा डेट नहीं है इस कंपनी के अंदर। आप देखिएगा अगर इसकी बैलेंस शीट के अंदर भी बात करें तो इसका जो शेयर होल्डर फंड है वो 812 करोड़ है, और टोटल शेयर फंड 837 है, मतलब अगर रिजर्व सरप्लस और कैपिटल दोनों को मिला ले तो। और लॉन्ग टर्म बोरिंग 85 की है, और टोटल अगर हम बोरिंग्स देखें इसमें बोरिंग को भी हटा दें डेफर टैक्स लाइबिलिटीज हैं, तो वो जनरली इनकम टैक्स की जो आगे एडजस्टमेंट होंगी अकाउंटिंग है उसकी वजह से 132 करोड़ की जो कुल लाइबिलिटीज हैं। अगर हालांकि इनके पास जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं उसको भी हम कंसिडर करते हैं 199, तो जनरली अगर ये पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट देखें तो करीबन ये जो है 430 करोड़ के आसपास बनता है, और आज की डेट में 837 यहां पर इनकी इक्विटी की वैल्यू है। तो इन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें ये वैल्यू जो है बहुत रीजनेबल लग रही है। हालांकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के हिसाब से अगर हम देखें तो जो डेट की वैल्यू है, डेट की वैल्यू थोड़ी सी आपको ज्यादा नजर आएगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थोड़ी सी ज्यादा नजर आएगी और शॉर्ट टर्म बोरिंग 201, तो वहां पर हो सकता है। लेकिन ये जो सारा जो इनका डेट है, ये जो सब्सिडरी के साथ जब आपने मर्ज किया तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे डेट ज्यादा दिख रहा है, और उस डेट के ज्यादा दिखने का मुख्य कारण क्या है कि इस कंपनी के एक्सपेंशंस हैं, और वो एक्सपेंशंस जो है कुछ तो इसी क्वार्टर में जो है मार्च के अंदर ही खत्म होने वाले थे, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स आ गए तो हो सकता है कि अप्रैल या मई में जाके कंप्लीट हो, और कुछ जो है दिसंबर एंड तक जो है इसके प्रोडक्ट स्टार्ट होने हैं, और 2021 के अंदर भी है इनके जो एक्सपेंशन है उनके कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये प्रॉब्लम जैसे ही सॉर्ट आउट होगी तो हमें लग रहा है कि जो है मामला इस कंपनी के लिए पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्रमोटर्स हैं उनको करीबन 11 करोड़ का जो डिविडेंड है वो उनको मिलना है, क्योंकि जो 25 करोड़ का डिविडेंड है उसमें से करीबन 12.5 करोड़ है, तो उसमें से अगर हम बात करें तो 12.5 में से भी तो 11 करोड़ का जो है प्रमोटर्स एक ग्रुप को ही मिल रहा है। तो प्रमोटर ग्रुप के पास जब इतना डिविडेंड आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिविडेंड है, क्योंकि शेयर्स की वैल्यूएशंस मैनेजमेंट को भी पता है कि जो है अंडर वैल्यूड वैल्यूएशंस पर मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग भी शायद इसके अंदर एक्युमुलेट करते हुए नजर आए। अगर वो लोग इसको एक्युमुलेट करेंगे डिविडेंड के बाद तो शेयर्स के प्राइसेस शायद पक्के रूप से जो है यहां पर गिरने से रुक जाएंगे। तो मार्केट की गिरावट के अंदर देखिएगा सभी तरीके के शेयर्स में गिरावट आ रही है, लेकिन अब हमें दिखने लगा है कि कुछ जो शेयर्स हैं स्पेशली जो है केमिकल्स को जो कंपनीज हैं
वो सेटल होने लगी है। और मैंने आपके साथ एक और शेयर डिस्कस किया था हेडलबर्ग सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट्स के अंदर जो डिलीवरी बहुत अच्छी थी और आज देखिएगा वो इतनी गिरावट के बाद भी प्लस में बंद हुआ है, तो इतनी करेक्शन के बाद भी प्लस में बंद हुआ है। कल भी बहुत माइनरी करेक्शन थी उसके अंदर, तो हेडलबर्ग का जो सीमेंट का शेयर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो भी बड़ा स्ट्रॉन्गली जो है हमें लग रहा है कि वो नीचे की तरफ बॉटम बना रहा है। हालांकि उसमें 10-15 रुपए की हो सकता है अभी और गिरावट आ जाए, पर 135 और 150 रुपीज के बीच में वहां पर भी जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है बिल्डअप हमें बनता हुआ दिखेगा। तो 147 रुपीज में हेडलबर्ग का शेयर भी जो है अभी मुझे काफी जो है कंसोलिडेट होता हुआ लग रहा है। और सीधी सी बात है फाइनेंशियल्स में ज्यादा मेल्टडाउन है बजाय की बाकी कंपनीज के। ये जो कंपनीज हैं जिस तरीके की कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ ये शायद प्रॉब्लम थोड़े दिनों में सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी, और हो सकता है कि मेघमनी जैसी कंपनी को भी एक या दो क्वार्टर में प्रॉब्लम आए क्योंकि इनका बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है, बट एक या दो क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर कंपनी को आप बेस नहीं कर सकते। तो उसके बाद जब चीजें स्मूथ होंगी तो हमें लगता है कि यहां से जो है आज की डेट में अगर आप एक्युमुलेशन करते हैं तो एक इमीडिएटली जो मुझे लगता है 2-4 महीने के अंदर ही 50 रुपए यानी कि 25% की जो है रिटर्न्स आती हुई नजर आ सकती है। तो और उसके अलावा भी जो है मेरे लिए तो ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, तो मैंने तो बेचना नहीं है और सीधी सी बात ये है। तो मेरे लिए तो हालांकि जो अब नोशनल लॉस तो मुझे भी हो रहे हैं जैसे आप लोगों को हो रहे हैं, तो प्राइस नीचे आ गया, बट मुझे लग रहा है कि छोटी कैपिटल है, कंफर्ट है और इस कंपनी को जो खरीदने के लिए प्रमोटर्स भी एग्रेसिवली हैं, और जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं शायद वही अब बचे हैं मेरे जैसे लोग जो शायद इस शेयर को बेचना नहीं चाहते। तो सिंपल सी बात है जो वीक हैंड्स हैं शायद इस शेयर से एग्जिट कर रहे हैं कर गए, और इसी रीजन से देखिएगा ये शेयर जो है स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक या दो क्वार्टर में जो है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, अगर वहां पर कोई करेक्शंस होती है तो हो सकता है कि वहां पर भी लेने के जो दोबारा मौके बने। आपको वीडियो कैसे लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।